स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ निकल 2 प्लस इज दिस एट 25 डिग्री सेल्सियस। इफ इट इज कनेक्टेड विद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ईएमएफ बिकम जीरो। कैलकुलेट पीएच ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे निकल 2 प्लस का कंसंट्रेशन 1 m है, ये दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई भी कैलकुलेशन आप यूज करते हैं तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम यूज नहीं करते। इसलिए निकल 2 प्लस का आपको सबसे पहले लिखना है रिडक्शन पोटेंशियल। और आप जानते हैं किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल सेम होता है, बस साइन अपोजिट हो जाता है। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव 0.236 होगा तो निकल 2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा नेगेटिव 0.236। तो हम लोग लिख देंगे ई नॉट की वैल्यू, यहाँ पे दिया हुआ है निकल 2 प्लस टू निकल के लिए, ये रिडक्शन पोटेंशियल का साइन है, ये है -0.236। और हाइड्रोजन का आप जानते हैं कि हमेशा जीरो होता है, चाहे आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखो चाहे रिडक्शन लिखो, जीरो ही होता है, इसका जीरो लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है कि कैथोड एनोड कौन होगा, फिर हम रिएक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद आगे कैलकुलेशन होगा। तो आपको पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव होता है वो बिहेव करता है एज अ एनोड और उसी का होता है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे निकल बिहेव करेगा एज अ एनोड जिसका ऑक्सीडेशन होगा और हाइड्रोजन बिहेव करेगा एज अ कैथोड जिसका रिडक्शन होगा। तो पहले दोनों का रिएक्शन लिखते हैं। तो जो निकल है ये चेंज होगा निकल 2 प्लस में बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हो गया। हाइड्रोजन के लिए लिखना होगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा और चेंज होगा हाइड्रोजन गैस में। अब इसी रिएक्शन को जब आप लिखते हो ओवरऑल, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, ओवरऑल रिएक्शन आएगा निकल प्लस 2H प्लस चेंज इनटू निकल 2 प्लस प्लस H2। इस ओवरऑल रिएक्शन की जरूरत पड़ती है दो काम के लिए। जब नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे तो वहां पे N का कैलकुलेशन यहीं से होता है, और जब इनके कंसंट्रेशन को यूज करते हैं तो एक्सपोनेंट कुछ यूज करना है कि नहीं वो भी पता चलता है, तभी उसको हम यूज करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग नर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। EMF, इसी को ई सेल भी बोलते हैं, इक्वल टू होता है ई नॉट सेल -0.0591 एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, मतलब निकल 2 प्लस का कंसंट्रेशन, नीचे आएगा कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, और इनके साथ अगर कोई कोफिशियंट है तो पावर में आएगा। तो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे कोफिशियंट 2 है, इसलिए इसके पावर आपको लिखना होगा 2। ठीक है, ये है। अब ई एम एफ जीरो दिया हुआ है, अब आपको यूज करना है यहाँ पे ई नॉट सेल। तो पहले ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। तो ई नॉट सेल इक्वल टू आपको पता है होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का है। तो जीरो माइनस माइनस 0.236 लिखना है, तो वैल्यू आ जाएगा पॉजिटिव 0.236, इसी को यूज करना है। यहाँ पे लिखेंगे 0.236 माइनस 0.0591 बाय एन। एन के का मतलब होता है कि जब आप दोनों रिएक्शन को ऐड करते हो तो कितने इलेक्ट्रॉन आपने कैंसिल किए हैं, वही एन की वैल्यू होती है। यहाँ पे 2 है तो 2 यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो निकल का कंसंट्रेशन है वो 1 है, इसलिए ऊपर 1 लिखना है, और हाइड्रोजन का अभी हमको कंसंट्रेशन पता नहीं है इसलिए इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, तो अभी हम लॉग को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जब H प्लस 2 को ऊपर भेजोगे तब इसको लिख सकते हो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस के पावर माइनस 2, और लॉग में पावर होता है तो पहले आ जाता है, तो इसको लिख सकते हैं -2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस। और आप जानते हैं माइनस लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन को पीएच बोलते हैं, इस पूरे की जगह हम लोग 2 × pH लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे यूज कर लो। तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 0.236 माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू 2 × pH। इस नेगेटिव को हमने यहाँ पे लॉग के साथ यूज किया हुआ है, आप याद रखिएगा माइनस लॉग एच प्लस को ही पीएच बोलते हैं, इसलिए 2 pH लिखा गया है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से pH इक्वल टू निकालोगे तो आप लिखोगे 0.236 डिवाइडेड बाई 0.0591, ये सॉल्व करने पे लगभग 3.9 आ जाता है, तो अप्रोक्सीमेटली इसका pH आप लिखोगे 4। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। चलिए इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, बाकी नर्स्ट इक्वेशन पे कोई भी प्रॉब्लम आता है उसको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।